प्रिय बंधुगण, आजर एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को आम्भे आपण मानू स्वागत करुछु। जदि आपण आम ए चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना ताहले तुरंत सब्सक्राइब करी डाहाण पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँफल आम्भर परवर्ती प्रत्येक भिडर नोटिफिकेसन सर्वप्रथमे आपण पहुँची। आज गुरुत्वपूर्ण अध्यायर प्रसंगटी है शिक्षा कौन। हाँ आज्ञा, आसंतु सर्वप्रथमे शिक्षा शब्दटीर सृष्टि विषय जानिबा। संस्कृत शब्द शिख धातुरे आ प्रत्यय युक्त हो शिक्षा शब्दर सृष्टि होइछि, जहार अर्थ शिखिबा बा शिखाइबा। शिक्षा को इंग्राजी रे एजुकेशन बोली कहा जाए। आउ मध्य विभिन्न शब्दरु एही शिक्षा शब्दटीर उत्पत्ति होइछि, जथा एडुकेटम जहार अर्थ शिक्षित करिबा बा शिखाइबा। तापरे हला एडुसेयार जहार अर्थ विकसित करिबा। तापरे हला एडुकेयार जहार अर्थ उन्नति करिबा। लाटिन भाषार एडुकेटम एहा दुईटी शब्दरे गठित, जथा प्रथमरे ई एहार अर्थ अंतःकोणर, एवं अन्यटि हला डुको एहार अर्थ विकास। अर्थात एडुकेटम कहिले व्यक्तिर अंतररे लुचि रहिथिबा आचरणर विकास। अतएव एबे आसंतु जानिबा एजुकेशनर फुल फॉर्म कौन होइथाय। प्रथम अक्षर हला ई माने एटिक्वेट, जहार अर्थ शिष्टाचार। अर्थात शिक्षा मनुष्यकु शिष्टाचारी करिथाय। तापर हला डी माने डिसिप्लिन, अर्थात शिक्षा मनुष्य को नम्रता सरलता आदि करिथाए। तापर हला यू माने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अर्थात शिक्षा मनुष्य को विश्व भ्रातृत्व रे बांधि देइथाए। तापर हला सी माने क्रिएटिविटी, अर्थात शिक्षा मनुष्य को सृजनात्मकतार विकास करिथाए। तापर हला ए माने अवेयरनेस, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जाग्रत कराए। तापर हला टी माने ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात शिक्षा मनुष्यर आचरण रे परिवर्तन आनी दिए। तापर हला आई माने इंटीग्रिटी, अर्थात शिक्षा मनुष्य को एकता और मित्रतार शिक्षा दिए। तापर हला ओ माने ऑप्टिमिस्ट, अर्थात शिक्षा मनुष्य को आशावादी कराई थाए, माने शिक्षा मनुष्य को केबे भी निराशा करे नाही। शेषरे हला एन माने नोबिलिटी, अर्थात शिक्षा मनुष्य को भद्रता शिखाए। तेबे हे श्रोतागण, एबे आसंतु जानिबा क्यों क्यों महापुरुष बा मनोविज्ञानी माने एहि शिक्षा शब्दर अर्थ किपरि कहिछन्ति। केतेक महापुरुष कहंती शिक्षा होछि मनुष्यर अविच्छेद्य अंग, आउ केते महापुरुष कहंती जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन। आम जातीय पिता महात्मा गांधी कहंती शरीर मन और आत्मार सर्वांगीन विकास ही होछि शिक्षा। स्वामी विवेकानंद कहंती अंतर्निहित सुगुण को विकास करिबा ही शिक्षा। अतएव शिक्षा कहिले मनुष्यर आचरणर परिवर्तन को ही बुझाए। शिक्षा जन्मरु मृत्यु पर्यंत निरंतर लागी रही थाए। वेदरे वर्णित अछि असतमा सद्गमय, अर्थात शिक्षा असत्यरु सत्य आड़ को निए। तमसमा ज्योतिर्गमय, अर्थात शिक्षा अंधकार ठारु प्रकाश आड़ को नेइथाए। एवं मृत्युर्मा अमृतंगमय, अर्थात शिक्षा मृत्यु ठारु अमृत आड़कु नहीं थाए। वेद पूर्णी कहे सा विद्या जा विमुक्तये, अर्थात विद्या मुक्ति दिए। हे महामान्य श्रोतागण, एठारे मुक्ति कहिले संसारर समस्त प्रकारर कुकर्म ठारु दूरेई देवाकु बुझाए। पूर्णी वेद कहे विद्या ददाति विनयम, अर्थात
ବିଦ୍ୟା ମଣିଷକୁ ବିନୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ନିରୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ନନ୍ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା, ନିଜ ପରିବାରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଆଦି ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଏହା ପରିଭ୍ରମଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଦିରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ନିରୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ନନ୍ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଏହି ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନଥାଏ। ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲରେ ଅଥବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ମିଳୁଛି, ଏସବୁ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମଣିଷର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ତଥା ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଆଦି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଇଥାଏ। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଆମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।